तुम्हारी तरह दिख रहा है, सुंदर सुंदर। अच्छा तुम यहाँ बैठो, हम आते हैं। आप कहाँ जा रहे हो इंद्रेश? अरे भोलेनाथ से मिलने जा रहे हैं यार। हमने उनसे वादा किया था कि जब हमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बीवी मिल जाएगी और जब हम अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे तो हम उनके नाम का दिया लगाएंगे। तो मैडम अभी जाएं? जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाथ छोड़ोगी तभी तो जाएंगे और जल्दी आएंगे। जाओ। आज आपसे थोड़ा ज्यादा मांगेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारी पत्नी भी है। आशीर्वाद दीजिए, जैसे आपने हमारा ख्याल रखा है उसका भी रखेंगे। जाओ और हमारा कार्य करो। देवी संतोषी की भक्त का स्थान उसके नए कुटुंब में नहीं बनना चाहिए। इंद्रेश भी ना पागल ही है, इतनी रात में दिया जलाने गया है। पर अच्छा ही है ना, उसको अपना वादा निभाना आता है। हमारे घर में आग लगा के तुम ही दिया बाती जलाए पड़ी हो, हाँ? चलो निकलो यहाँ से, काहे कि तुम्हारी सुहागरात सुहागरात नहीं होगी, समझी? ए, कान में खूट भरा है क्या? चलो निकलो, चलो चलो चलो, चलो। रुकिए आप लोग, क्या कर रहे हो? तुम्हें चाहिए था, लेकिन नहीं, तुमको तो रुकना आता ही नहीं है। कहे कि पहले हमारे बिटवा की जिंदगी में घुस गई बेशर्मों की तरह, और उसके बाद हमारे घर में भी आ धमकी। तुम्हारे जैसी लड़की को सुहागरात मनाने का कोई हक ही नहीं है। अरे तुम हमरा मुँह क्या देख रही हो? थोड़ा जल्दी से चलो, एक एक चीज साफ करो, पूरा कमरा कचरा करके रखा है। माँ जी आप क्या कर रहे हैं? खबरदार जो अपनी गंदी जबान से हमरा नाम लिया। तुम रास्ते चलते रिश्ते जोड़ती फिरती होंगी, हम संस्कारी लोग हैं, हम ऐसे किसी से रिश्ता नहीं बनाते। बड़े बड़े सपने लेकर आई होगी ना इस घर में, जेवर मिलेगा, नगदी मिलेगा। अब देख हम तुम्हारे सारे सपनों की कैसे हवा निकालते हैं। ए, थोड़ा जल्दी। एक एक फूल नोच कर निकालना, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे।
इस जैसे कांटे के लिए फूलों की सेज नहीं होती। जा मना ले अपनी सुहागरात। चलो निकलो यहां से। आप इन फूलों को भले ही तोड़ दें, पर हमरा साहस नहीं तोड़ सकती। हमें हमरी संतोषी माँ पर पूरा भरोसा है। अगर हमरा प्यार सच्चा है तो आप हमें एक दिन जरूर अपनाएंगी। देवी पौलोमी का कार्य तो हो गया, अब ये देखना आनंददायी होगा कि देवी संतोषी की भक्त स्वाति अपने कष्टों का निवारण कैसे करती है। भोलेनाथ आज दीपावली नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिल रोशन हुआ जा रहा है। महादेव, आपके और आप सबके आशीर्वाद से स्वाति आज हमारे घर आ पाई है, तो बस अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। नारायण नारायण, कब तक ये कन्या विवाह के पश्चात अपने ननन, अपनी सास और कुटुंब के अन्य सदस्यों के समक्ष मौन रहेगी? कब तक संबंधों के मान के लिए वे स्वयं को कष्ट देती रहेंगी माते? प्रणाम माते। प्रणाम माते। ये प्रश्न हमें भी व्याकुल कर रहा था पुत्री। आप जब मनुष्य रूप में अपनी भक्त स्वाति से मिलने जाएंगी तो उन्हें एक बात अवश्य कहिएगा कि मौन हमेशा उचित मार्ग नहीं होता। यदि बात उचित हो तो मनुष्य ईश्वर से भी उत्तर मांग सकता है। माते, आपने आदेश दिया होता तो हम स्वयं भेंट के लिए आ जाते, परंतु व्याकुल हृदय कहाँ किसी की प्रतीक्षा करता है। पुत्री, आप स्वाति की आराध्य है, इसीलिए देवर्षि की भांति हमारे मन में भी ये प्रश्न उठा। माते, प्रसन्नता हुई ये जानकर कि आप भी हमारी भक्त के लिए चिंतित हैं। माते, एक स्त्री के जीवन का आधार त्याग और धैर्य ही होता है। स्त्री अपने परिवार की जड़ होती है और संपूर्ण भार संभालती है। किसी बात पर प्रतिक्रिया ना देना उसे महत्वहीन करना भी होता है। वही स्वाति ने किया, क्योंकि स्वाति को ज्ञात था कि उससे उसके परिवार की शांति बनी रहेगी। उचित समय पर बोलने वाले ही विवेकशील माने जाते हैं। सत्य कहा आपने माते। नारायण नारायण। अरे हट, इतना जोर से दबा रही है, ऐसा लगता है सर फटा जा रहा है। इतना हाथ में जोर था तो वो कुलच्छनी का गला काहे नहीं दबा दी। चल अब दबा अच्छे से मेरा सर। का बूढ़ा माई, जवान बहुत कैची होती जा रही है तुम्हारी। बहुत बोलने लगी हो ना। देखो कहा है कि वो हमसे हमारी पत्नी है। तो ओके बारे में कुछ भी गलत बोला तो गला दाब के गंगा जी में फेंक देंगे तुमको। गंगा दबाएगा? हमरा गला दबाएगा? तुम्हारा गला दबाएगा। उसे पहले तो आम के अचार जैसन काट के दूध फाट करके हम तुमको फेंक देंगे। अरे बाबा, अब क्या करें दादी, आप लोगों को यही भाषा समझ में आती है। खैर,
अब गुस्सा छोड़ो और प्रेम से अपना सर दबाओ अम्मा से। वैसे भी कछु काम तो है नहीं आजकल उनके पास, खाली दिमाग शैतान होता जा रहा है उनका। अच्छा अब चलते शैतान कहीं का। इंद्रेस, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे रिंकी, अगर देवर जी को पता चल गया ना कि हम उनका सेज उजाड़ के आए हैं तो हमको छोड़ेंगे ना ही। अरे भाऊजी, तुम चिंता ना ही करो, भैया को हम संभाल लेंगे। मना ले अपनी सुहागरात, चलो निकलो यहां से। इंद्रेश के आने से पहले हमको सब कुछ ठीक करना होगा। आपके छुटके भैया अभी तक चिल्लाना काहे नहीं शुरू करे? वो ना हो अपनी नई बीवी से डर गए होंगे। वैसे सही बीवी मिली है भैया को, आते ही डरपोक बना दिया उनको। खैर तुम जाओ, तुम काहे खाम खाम अपनी नींद बर्बाद कर रहे हो।
ले ओ। या तो बत्तीन बुझ गई और हम तमाशा देखे चक्कर में बैठे रहे। अरे ओ बेल, तुम्हारी उल्लूपंती हो गई हो तो जाके सो जाओ। अरे तुम जाओ ना, गजब छिछोरी है लड़की। मतलब शादी के पहले रात देवर जी के साथ देवर जी कमरे में हुई ली। अरे खमका देखो, शादी के इतने साल बाद आज तक अपने पति के साथ ना अकेले ना ही सोए हैं पूरी रात। काहे कि हमारे प्रिय बाबूजी का कहना है कि आदमी कोनो भैंसा थोड़ी ना है जो वो पूरी रात अपने मेहरिया के आंचल में रस्सी की तरह बंधा रही। सर्वज्ञ सर्वदुष्ट अभ्यंकरी सर्वदुखहरिणी महालक्ष्मी नमोस्तुते। बिटवा मुंह पे कालिख पोत दिया, तुम यहाँ कुंटल भर मेकअप पोत के खड़ी हो। बिटवा की शादी की बहुत खुशी है जो रामलीला झांकी बन के आई हो। आप ही तो कहते हैं कि हमरा मेकअप किया हुआ चेहरा देखने से आपका दिन अच्छा बीतता है। दिन छोड़ो कुंती देवी, हफ्ता महीना साल बर्बाद कर दिया तुम्हारे बिटवा ने। अभी चितकबरा चेहरा लेके सामने से हटो और रात को जो वादा की थी उसको पूरा करो। उस सड़क छाप लड़की को सड़क पे ले आओ, जाओ। बाबूजी आज जल चढ़ाने नहीं चलिएगा? काहे नहीं चलेंगे? का कोनो सरकारी वारंट निकला है का कि घर से नहीं निकलेंगे? अरे तुम लोग अधर्मी हो गए हो तो हम भी क्या पूजा पाठ छोड़ दें? लाओ। अरे वो इंद्रेश वो उठेगा कि नहीं आज? हमका का पता, पड़े होंगे भैंस बनकर किसी प्रेम के तालाब में। हाँ तो पड़े रहें दो, भैंस की औलाद भैंसा रहेगी। निकम्मी निकट्टू आलसी। तुम हमारी तरफ का देख रही हो? तुम रही तारीफ कर रहा? तुमरा एक कीटाणु है वरना हमरे खानदान में ऐसे लक्षण कभी किसी के ना रहे। इंद्रेश, इंद्रेश उठो ना। सोने दो ना। अरे कितना सोओगे तुम? आज बाबूजी के साथ लाठी लेके नहीं जाना है का? उठ गए हैं वो, चलो उठो। तुम जानते हो ना बाबूजी कितना चिढ़े हुए हमसे, आटे लेकर गए तो उसी से कूट देंगे हम। जो भी हो जाना तो तुमको पड़ेगा ना, चलो उठो। उठो। अरे यार कमाल हो तुम, इतने दिन तक हमें चिढ़ाती रही कि तुम्हारे बाबूजी सड़क जाम करके पूजा करते हैं, खुद ही भेज रही हो। हाँ पहले चिढ़ाते थे क्योंकि हमको अजीब लगता था, पर सबका अपना अपना पूजा करने का ढंग होता है ना, हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। अच्छा आप जाओ, वरना पता है सबका बोलेंगे कि तुम जोरू के गुलाम बन गए हो। जाओ अब। ठीक है बाबा, जाते हैं। लेकिन जल्दी आ जाएंगे। अच्छा सुनो,
आज ही घर में हमारा पहला शुक्रवारी व्रत है, तो उसके लिए ना पूजा का सामान भी लेके आना है। लिस्ट बना दो, ले आएंगे। ठीक है। लोकाभिरारम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। राय दे बेटा है, जाय दे। महबूबा के नखरे उठाने वालों से लाठी नहीं उठती। बाबूजी आप जाने दीजिए ना। hey, चुप। तुमसे कितनी बार कहे हैं कि हम तुम्हारे माजी और बाबूजी नहीं हैं। जबरदस्ती हमसे रिश्ता जोड़ने में तो लियो। ठीक है ना अम्मा, उससे रिश्ता नहीं है पर हमसे तो है। हम भी देखते हैं कौन रोकता है हमें बाबूजी के साथ पूजा में जाने से। बाबूजी रहने दीजिए ना, वो पराई है पर ये तो अपना ही खून। चलिए चलते हैं।